पाकिस्तान रेंजर के कॉल लेटर, पाकिस्तान रेंजर का इंटरव्यू, पाकिस्तान रेंजर का मुकम्मल डिटेल, सिंध रेंजर की बात कर रहा हूँ, इसमें कॉल लेटर भी कवर करूंगा, इसमें आपको मैं गाइड करूंगा आपने स्पाइक का जो इंटरव्यू है सिंध रेंजर का वो कैसे होगा, नए हवलदार का इंटरव्यू कैसे होगा, ESI के इंटरव्यू में क्या मुश्किलें आपको पेश आएंगी, किन बंदों के कॉल लेटर नहीं आए, किन बंदों के कॉल लेटर आ चुके हैं, क्या कॉल लेटर आपके नहीं आएंगे, क्या किन बंदों के कॉल लेटर आ चुके हैं, इनका इंटरव्यू में से कितने लोग फेल करेंगे, मुकम्मल डिटेल आपको मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। मेरा नाम है शफकत, आप लोग देख रहे हो दिल पाकिस्तान FC यूट्यूब चैनल, मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में। सबसे पहले जो आपका मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, आपको मैं गाइड करता हूँ आपने इंटरव्यू की वीडियो है वो कैसे देना है सिंध रेंजर के अंदर। मैं पहले कवर करता हूँ सफाई से, जो स्पाई रात हैं वो क्या क्या चीज़ साथ लेकर जाएं, उनका इंटरव्यू जो है वो 100% पास होगा। जी हाँ, या अगर आप मेरी तरीक़ाकार पे चलोगे, मेरी बातों पे अमल करोगे तो आपका इंटरव्यू जो है वो 99% हैं वो पास होने के चांस हैं, 1% चांस है फेल होने का। जी हाँ, अगर आप मेरी कहने पे चलोगे, जो मैं आपको गाइड करूँगा, जो समझाऊँगा, रुकें रुकें सब्र करें, वीडियो आगे ना करें, मेरी बात सुने समझें मैं आपको क्या कह रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से समझ लें वीडियो को, वीडियो को बार बार देखें और मैं क्या कह रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कोई भी बंदा YouTube पे सर्च कर ले, हर बंदा चूरन बेच रहा है, पक्की बेच रहा है, लेकिन कोई भी आपको सही गाइड नहीं करेगा। झूठ बोलने वाले के ऊपर लाना, तो कोई फेक नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, जो झूठ बोलता है वो अपने माँ बाप का होते नहीं होते हरामी है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने आप के ऊपर और अपने माँ बाप के ऊपर फ़ख्र है, मैं मेरे इतने अच्छे माँ बाप है आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। तो हर औलाद को चाहिए अपने माँ बाप की खिदमत करे, और दूसरे जो हमारी माएँ बहनें ये मेरी वीडियो देख रहे हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, जो मेरे भाई बहन वीडियो देख रहे हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। हम आते हैं अपने मौजू इम्पोर्टेंट मौजू के ऊपर, मैं ज़्यादा आपका बोर नहीं करता हूँ। जो स्पाई ज़रात है, मैं शुरू करता हूँ स्पाई से, जो स्पाई हैं आपने अगर पैंट शर्ट पहनते हैं तो आपने अपनी पैंट शर्ट पहनना, जो थ्री पीस सूट होगा वो पहन के जाएंगे, VIP मत मम्मी डैडी बन के जाएंगे। अगर आप शेव करते हैं तो आपने मुकम्मल उसी दिन फ्रेश शेव करनी है, और आपने अपनी कटिंग करवानी है, जो कटिंग है आपकी वो आपने फौजी कटिंग, मशहूर कटिंग है, आपने वो करवानी है। मम्मी डैडी कटिंग आपने नहीं करवानी, आपके बाल छोटे होने चाहिए, मतलब उंगल आधी उंगल से ज़्यादा बाल आपके नहीं होने चाहिए। नंबर वन, नंबर टू, आपको मैं 10 बताऊंगा फार्मूले, 10 फार्मूले आप मेरे अगर इस बात पे ये 10 फार्मूले आप करके जाते हैं आपका इंटरव्यू 99% स्पाई के पास होगा। नंबर टू, आपके जूते वो शूज़ होने चाहिए, आप ओपन जूती नहीं पहन के जानी, शूज़ पहन के जाना है आपने। मैं मानता हूँ गर्मी है, लेकिन आप लोगों ने शूज़ पहन के जाना है, जो पंजाब से जाते हैं, कराची से जाते हैं, कहीं से जाते हैं, आपने ब्लैक शूज़ या ब्राउन शूज़ पहन के जाने, PT वगैरह या जॉगर वगैरह पहन के नहीं जाने। नंबर टू हो गया। नंबर थ्री, कपड़े अगर आप सलवार कमीज पहन के जाते हैं तो आपने सलवार कमीज वाइड पहन के जानी है, अब साफ सुथरी हो, कॉलर वगैरह ख़राब ना हो, इसरी हुई हो, उसको माया ना लगो, लेकिन सिंपल हो, लेकिन वाइट हो, वाइट नहीं होती आपके पास कोई भी होती है आप पहन, लेकिन कपड़े आपके साफ सुथरे होने चाहिए। नंबर थ्री जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, अंगूठियाँ वगैरह पहन के जाते हैं तो बड़े मेकअप मेकअप कर के जाते हैं, और दूसरा घड़ी पहनी होती है, वॉच पहनी होती है, या और मतलब शोशा की होती है, ऐसा फजूल मेकअप आपने ओवर एक्टिंग नहीं करके जानी। नंबर फोर जो मेन चीज़ है, रोल है इसमें, आपसे ये सवाल पूछा जाएगा स्पाई का, मौजूदा सियासी सवाल पूछे जाएंगे और जनरल लेवल का सवाल पूछा जाएगा। मौजूदा जो 2024 में 2024 में जो सियासी जो गर्मियाँ ये चल रही हैं, ये इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, और कुछ सवाल होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे, मैं किस तरह वो आपसे पूछेंगे सिंध रेंजर वाले, आपने रेंजर में क्यों ज्वाइन होना चाहते हैं, आखिरकार आपने रेंजर क्यों चूज़ की, और भी काफ़ी अदारे हैं। आप लोगों ने आगे जो भी सवाल का जवाब देना है, भी रेंजर हमें पसंद है, रेंजर से हम लव करते हैं, मतलब फलाना मेरा रिश्तेदार था वो रेंजर में था, फलाना मेरा मामू वो रेंजर में था, हमने उसको देखकर अपना रेंजर में अपना आने का फैसला किया, दूसरा रेंजर जो वो बेस्ट है इसलिए हम रेंजर में आना चाहते हैं, और तीसरी बात आप माँ बाप के कितने बेटे हैं अपना, उसके बाद आपके मैट्रिक में कितने नंबर हैं, आप साइंस में आपने मैट्रिक किए या आपने इंग्लिश में मतलब आर्ट्स में मैट्रिक किए, आप मैथ में आपके कितने नंबर हैं, आपने तलीम की जगह पे की,
आपके घरेलू हालात कैसे हैं, पहले इसके अलावा पहले क्या करते थे, ये सफाई से जो सिंपल से सवाल पूछे जाएंगे। आपका माँ बाप है जी है, अपना पहले क्या करते थे जी, मैं जमींदारा करता था, ये जो गाड़ी चलाते थे या किसी को कोठी पे काम करते थे, माँ बाप आपके सही सलामत हैं जी, सही सलामत, ये छोटे से सवाल होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे सिपाही के इंटरव्यू के लिए। अब भी हम आ जाते हैं नायक हवलदार के लिए। नायक हवलदार के लिए थोड़ा टफ होता है, थोड़ा मुश्किल होता है उनका इंटरव्यू, क्योंकि वो प्रमोशन इंटरव्यू है, उसको कमांडर कहा जाता है, बाला कमांडर भी उसको कहा जाता है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है नायक हवलदार की। उस नायक हवलदार से जो सबसे पहले सवाल पूछा जाएगा वो यही होगा, आप रेंजर क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, सबसे पहले ये सवाल पूछा जाएगा। दूसरा सवाल होगा, आप बटोले कमांडर आपको सुनाया जाता है, आपके कमान के दौरान कोई जवान बीमार हो जाता है या कोई जवान शहीद हो जाता है, आप शहीद को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझेंगे, उसकी डेड बॉडी पहुँचाएंगे या जो बंदा बीमार पड़ा है आप उसकी बॉडी पहले पहुँचाएंगे, गाड़ी आपके पास एक है, एक बंदे की जगह है, आप क्या करेंगे। ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है, अक्सर इसमें लोग ज़्यादा गलती कर जाते हैं, ये गलती कर जाते हैं, उसमें लोग कहते हैं जो डेड बॉडी पड़ी है हम वो कोशिश करेंगे अपने उनके घर तक पहुंचा सकें, उनको सलामी दें, तो बीमार पड़ा है उसको हम पेंडिंग कर देंगे, नहीं, यही आप बड़ी गलती करते हैं, यही गलती आपकी पकड़ी जाती है। आप लोगों ने कहना है हम लोग जो हैं हम डेड बॉडी को छोड़ देंगे, उसको पेंडिंग करेंगे, जो बीमार पड़ा है सबसे पहले हम उसको हॉस्पिटल पहुँचाएंगे और जो डेड बॉडी का मैसेज देंगे हेडक्वार्टर को वो उसको बाद में आकर रिसीव करेगा, हम उधर एक बंदा या दो बंदे या उधर गार्ड अपनी प्रॉपर छोड़ देंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कमांडर के लिए, जो नायक होता है वो बाला कमांडर होता है, उसके अंडर कमांड होती है पोस्ट, उसके अंडर कमांड होती है गार्ड, कमांड होती है गार्ड के ऊपर कमांड कर होता है, कोई भी दुराने दुश्मन के फायर के लगते या दुश्मन के जब दुश्मन फायर शुरू कर देता है या उसकी कमांड जो लोग होते हैं वो कोई भी जख्मी हो सकता है, कोई भी मसला बन सकता है, ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं जो पूछा जाएगा। जो दूसरा सवाल होगा वो आपसे ये पूछा जाएगा, क्या जो मौजूदा सियासी हालात चल रहे हैं मुल्क के अंदर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपने पॉजिटिव से इसका जवाब देना है, नेगेटिव आपने इसका जवाब नहीं देना, आपने इसका जवाब जो है सियासी लेवल पे पॉजिटिव देना है। आपसे ये ज़रूर पूछा जाएगा आप किस जमात से, हम किसी जमात से नहीं हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम किसी जमात को लाइक नहीं करते, हम किसी जमात को पसंद नहीं करते, आई लव पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान उसके बाद हम लोग हैं, ये जवाब भी पूछा जाएगा। फिर पूछा जाएगा जब जनरल लेवल का आपसे सवाल पूछा जाएगा, पुरानी चीफ में आर्मी चीफ कौन था या वज़ीर आज़म कौन था, एटमी बम किसने बनाया, हर बच्चे बच्चों को पता किसने बनाया, मैटर में कितने नंबर हैं, एफएम में कितने नंबर हैं, आपका बैकग्राउंड घर में वो क्या है, आप पहले क्या करते थे और आप रेंजर क्यों ज्वाइन करना चाहते थे, पहले मैं खेती बाड़ी करता था या ड्राइवर था या सिक्योरिटी गार्ड था या बैंक में मुलाजम था या किसी स्टोर पे काम करता था, जो भी करता था, या अपने माँ बाप की खिदमत करता था, आपका माँ बाप आपका बाप पहले क्या करता था, किसी महकमे से रिटायर है, अगर आपका वालद साहब किसी पुलिस से या किसी डिपार्टमेंट से रिटायर है तो आप उसको बता सकते हैं जो मेरे वालद साहब है वो फलाने महकमे से रिटायर है, इसलिए मैं अभी बड़ा बेटा हूँ, उसका एक बेटा हूँ या दो बेटा हूँ, मैं सरकारी जॉब हासिल करके अपने माँ बाप की खिदमत करना चाहता हूँ, इसलिए मैं रेंजर ज्वाइन कर रहा हूँ। ये हो गए नायक और सिपाही के मुकम्मल इंटरव्यू जो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद हम आ जाते हैं अपना कॉल लेटर के ऊपर, भी किन बंदों को इंटरव्यू के लिए मैसेज आए हैं या किन बंदों को इंटरव्यू के लिए मैसेज नहीं आए, दो किस्म के सवाल हैं। अभी इनमें काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं हमने अप्लाई किया है हमारा इंटरव्यू के लिए मैसेज नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्या वजह है, मैसेज आना चाहिए था, ये बताता हूँ। दूसरा लोग ये भी कह रहे हैं अगर हम पंजाब से जाते हैं कराची इंटरव्यू के लिए, अगर हमारा इंटरव्यू फेल हो जाता है तो 10 से 12 हज़ार का जो किराया है हमारा वेस्ट जाएगा, हम क्या करें। मैं मानता हूँ गुरबत बहुत ज़्यादा है और आप इतनी दूर से जब जाएंगे, एक मिसाल है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, कोई लाहौर से या उकाड़े से या फैसलाबाद से या पिंडी से मुल्तान से बंदा जाता है कराची, किराया तब के 15 के ज़्यादा तो पक्का है, 10 से 15 हज़ार रुपये मतलब खाना पीना डाल के रैश वगैरह लग जाएगा। लेकिन अगर आप कराची जाते हैं, हब चौक वाली साइड पर जाते हैं, मुझसे रब्ता कर लेना, मैं कोई ना कोई आपकी जगह जो बना दूँगा कराची रहने के लिए, तो कोई जुगाड़ लगा देंगे। दूसरा, अगर आप जाते हैं तो आपके इंटरव्यू अगर मेरी कैमरे पे चलेंगे तो 99% चांस है आपका इंटरव्यू जो है वो पास होगा। आप लोगों ने शादीशुदा बताना है, आपने अपने माँ बाप के बारे में बताना है, जो डिटेल मैंने आपको बताई है, ये एक ही स्टेप आप नोट कर लें अपने पास, ये बड़ा ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से कोई भी आप लोगों का सवाल नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने जो अपने
सॉरी, तो आपने अपनी कंडीशन बना के जानी है कपड़ों की, या जो मैंने आपको पैंट शर्ट की कोट की बताई है वो उसी तरह बना के जानी है। कोई भी आपने गैर ओवर अपना ओवर लोडिंग अपने ऊपर नहीं करनी है, अपने ऊपर बोझ नहीं डालना। अगर आपके कपड़े वाइट नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई और कपड़े पहन लें, लेकिन शो कपड़े हो, साफ सुथरे कपड़े हो। आपके पास पैंट कोट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिंपल से कपड़े पहन सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो बड़ी मेरे लिए इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है, मैं आपको बता देता हूँ। और एक बात, अगर आप मुझसे डायरेक्टली रब्ता करना चाहते हैं तो मैं नीचे अपना टिकटॉक का लिंक भी दे दूंगा, अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, आप मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कोई भी आप लोगों का सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।